परीक्षा वहाँ पे कहीं गई थी। परीक्षा यहाँ? जी दादू मैं आ गई आ गई आ गई। कहाँ रह गई थी बेटा? कुछ बहुत ही स्पेशल कर रही थी मैं। ये क्या है बीजान, ये क्या खिचड़ी पक रही है? भाई अब देखें, ये कोई पुराना जमाना तो है नहीं, नया जमाना है, नया दौर है, और आजकल के लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी तय कर लेते हैं। तो क्यों ना शादी की डेट भी फिक्स कर ले, वो भी अपनी मर्जी से, है ना? वरीशा ये कैसी बातें कर रही हो? इस तरह के फैसले घर के बुजुर्ग या बड़े करते हैं। बीजान इसको पता नहीं है ना, बच्ची है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, आप तारीख तय कीजिए। अरे इसमें माफी मांगने की कौन सी बात? कौन सी वरीशा ने गलत बात कह दी? मुझे तो वरीशा का आइडिया बहुत पसंद आया। क्यों आज कब चढ़ना है घोड़ी? मेरा बस इतना ही ख्याल है दादू के ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। और इस फैसले को करने का हक भी सिर्फ मेरे अपनों का होना चाहिए, मेरे बड़ों का। भाई मुझे तो वरीशा का आइडिया बहुत पसंद आया। अब तारीख ऐसे ही तय होगी। क्यों वरीशा, अब क्या करना है इन्हें? अब जी दादू, तो देखें भाई, मेरे पास एक बास्केट है और इसमें छोटी छोटी पर्चियां, कुछ हैं ग्रीन पर्चियां और कुछ हैं येलो पर्चियां। करना ये होगा कि एक पर्ची शिफा चूज करेगी और दूसरी वहाज, एक में तारीख होगी और दूसरी में मंथ, और उसके बाद हम उसी को देखते हुए इनकी शादी की डेट फिक्स करेंगे। अच्छा है ना आइडिया? चलो भाई निकालो। ये कैसा बचपना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डेट दादू तय करेंगे, दैट्स इट। देखा दादू, मुझे पता था वहाज को पसंद नहीं आएगा ये आइडिया, रहने देते हैं। एक मिनट, बाय द वे ये बहुत अच्छा आइडिया है। I'm so excited. क्या हो गया? This is so childish. Please. Oh, come on. तो फिर करते हैं ना ये? जा। चलो भाई ready. चलो शिफा, ग्रीन वाली। हाँ, लाओ। इसमें लिखा है 10th. अरे 10? 10 तो इस जुमा है, ये तो वो इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? Oh my God. या एक मिनट रिलैक्स पापा जान, रिलैक्स। इसमें सिर्फ डेट लिखी है, अभी मंथ निकालना तो बाकी रह गया, वो भी कर लेते। चलो वहाज, नाउ इट्स योर टर्न, कम ऑन पिक इट अप। मैं ऐसी स्टूपिड हरकत कहता ही नहीं कर। क्या हो गया वहाज? इट्स अ गेम, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव टू। ओके आई विल पिक इट अप। ओके दिस वन। क्यों किया? आर यू गाइज रेडी? तो इसमें लिखा है अगस्त। इसका मतलब है फुप्पो जान और फुप्पा जान, वहाज आपके घर पे 10th ऑफ अगस्त को बारात लेकर आएगा, यानी कि अगले साल। अगले साल? अगस्त? अगस्त नेक्स्ट ईयर? तो बहुत देर हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट। अब जब सारे ये स्टूपिड गेम खेल ही रहे हैं तो मैं भी खेल लेता हूँ। एक काम करते हैं, एक और अटेम्प्ट करते हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज़ फाइनल हो चुका है दादू। आई थिंक घबरा क्यों रही हो, एक अटेम्प्ट कर लेने दो। आज इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या? ओए
मुझे क्या लगता है, मैं जमीन से नहीं उठा सकता। वहाँ जिसकी जरूरत नहीं। मामा, मामा क्या हो गया? मामा क्या भाभी? मामा देख के, देख के, देख के, आराम से। मामी पानी लाए, कोई पानी लाए। अफजल, अफजल गाड़ी निकालो, पंखा ऑन करो, पंखा लगाओ। परेशान नहीं, परेशान नहीं, प्लीज आके खोले। मुख्तार गाड़ी निकलवाओ। नहीं बेटा, मामा को क्या? मामा तो मेरा ख्याल है एक ही दफा जब चांद को हॉस्पिटल लेकर जाए, किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाए और पता करवा लें उनको बीमारी है कि। अरे तुम तो चुप रहो। मुझे क्या पता मामा का क्या प्लान है। अचानक से बेहोश हो गई है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप बताएंगे करना क्या है। ऐसा क्या हो गया है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कहीं अपनी बेवकूफी की वजह से वो बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे मेरा। डैड वहां जा रहे हैं, मैं आपसे बात बात करती हूँ। हाँ? क्या हुआ? डॉक्टर्स तुमसे बात करना चाह रहे हैं, वो चची जान के मेडिकेशन के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेडिकेशन मतलब? मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ। तुम प्लीज एक काम करो, जाकर बाकी के मतलब डॉक्टर से ही पूछ लो। क्या डॉक्टर से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होगा? जल्दी जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ बताया? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे मामा के पास? मामा ठीक है ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? वरीषा बेटा, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं, बस रिपोर्ट्स आने वाली हैं। बल्कि डॉक्टर तुमसे भी बात करना चाह रहे थे। तुम जाओ, जाकर बात करो उनसे। है क्या बात? बेटे जाओ तो सही। जी क्या हो गया आपको? मैं कह रही हूँ ना कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। आपको पता है सब मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं और डॉक्टर्स तो जैसे जबरदस्ती कोई मर्ज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना वैसा ही करो। आर यू सीरियस मामा? किस तरह संभालेंगे आप? हाँ कैसे? ये सब इतना आसान नहीं है, आपको पता है ना इन सब का। अभी थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट आएंगी, फिर आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। बैठी रहेगा फिर मेरी बेटी और इतनी डरपोक। जैसा मैं कह रही हूँ ना तुम वैसा करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। इतना आसान नहीं है ये सब, बहुत होशियार है। और स्पेशली जो वहाज है ना, ये बहुत तेज इंसान है। आपकी ब्लाइंड गेम्स नहीं चलने वाली हर वक्त। कहा ना मैं संभाल लूंगी, बाहर जाओ। जा रही हूँ बाहर, लेकिन डैड मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं, उनसे बात करें ताकि वो मुझे परेशान करना बंद करें। हाँ हाँ कर लूंगी, बस जैसे मैंने समझाया ना तुम वैसा करो, बाहर जाओ जल्दी। चची जान की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, ब्लड टेस्ट की, सब बिल्कुल क्लियर। इनफैक्ट उनके ब्रेन का स्कैन भी किया है, वो भी बिल्कुल क्लियर आया। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं परेशानी की कोई बात नहीं है, हम घर जा सकते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर्स तो, डॉक्टर्स तो झूठ कह रहे हैं, उन्हें क्या पता है बड़े बाबा। मैं खुद मामा को देख कर आई हूँ, अभी तक से तो बात तक नहीं हो रही है। ऐसे कैसे वो बैठे बिठाए बेहोश हो गई? आप खुद बताया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक है, तो फिर अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई उनकी? अच्छा बेटा घबराने की बात नहीं है, ये शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो सब जाने माने हैं। कुछ नहीं है, सब खैरियत है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मुझे खुद पता है अगर मामा को कुछ नहीं हुआ तो फिर वो बेहोश कैसे होगी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाप को तो खो चुकी हूँ, अपनी माँ को नहीं खो सकती। बड़े बाप? अरे नहीं बेटा, बाबा बाबा डॉक्टर्स ने कह दिया कि चची जान को ले जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये सब बातें हम घर जाके कर लेंगे। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि हम दोनों को एटलीस्ट घर होना चाहिए ना, जितने मेहमान हैं सब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा ये सब कुछ करते हुए। मैं चची को उनके घर ड्रॉप करके आ जाऊँगा, आप वरीषा को बेशक साथ ले जाइए। तुम ठीक कह रहे हो, मेरा ख्याल है वरीषा बेटा हमें घर चलना चाहिए। बड़े बाबा अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मानेंगे प्लीज? क्या बेटा? मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब नहीं है आपके घर में मामा का मेरे साथ रहना, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि अगर वो घर जाएंगी ना तो डैड फिर से उन पर जुर्म शुरू कर देंगे।
और मामा की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ डैड है। उन्हें तो यकीन भी नहीं होगा कि मामा बीमार हैं और मामा की मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। उन्हें केयर की जरूरत है, मैं उनका ख्याल रखूंगी। बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज प्लीज। शाम